खुशी इस बात की है कि जब शो शुरुआत करी हमने रिश्ता कहलाता ही कि तो सास बहू बेटियां हमेशा हमारे साथ था, अमित वाज ऑलवेज इन द फोरफ्रंट और एक हमेशा सपोर्ट रहा है और लोग आए गए मगर आपका और आपके फैंस का और आपके दर्शकों का साथ हमारे पास रहा। थैंक यू सास बहू और बेटियां अमित फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड। आई रिमेंबर जब इनकी एक नई जर्नी थी तब बहुत सारा वो था कि शो चलेगा नहीं चलेगा और उस वक्त एक्चुअली मैंने लोगों का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा। सब कहते शो बंद होने वाला और हमको तो कोई डेट वेट भी आ गई थी ऐसे, बट आई रिमेंबर आप लोगों ने एक फंक्शन किया था और वापस इस नई फैमिली को और इन नए लीड्स को आपने जो एक इम्पोर्टेंस दी थी और जो एक पुश दिया था एंड फुल नाइट आई रिमेंबर वी वर सिटिंग यू वर देयर। सो ये चीज़ हम कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर जब लोगों ने हमें बिलीव नहीं किया आप लोगों ने किया। एंड ऋषिकेश में जब हमारी शूटिंग शुरू हुई थी आई रिमेंबर श्रुति फ्रॉम आज तक शी वॉज देयर विद अस। हमारे सारे इंटरव्यूज श्रुति ने लिए थे, डे आउट हमने वहाँ पे किया था, शॉपिंग स्टोरीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज वी रीड। उसके बाद आप हमारे साथ बने रहे। हमने आज जब गोइंका जब फैमिली पूरी इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी आज तक के ऐसे एक इवेंट में हुई थी, तो आई थिंक आज तक का कनेक्शन रिश्ता हमारे लिए बहुत खास रहा है हमेशा से। आपका क्या रिश्ता है? मैं बचपन से देख रहा हूँ आपका चैनल। मुझे मेरे घर पे अब्बा हमेशा न्यूज़ चैनल यही लगाते थे तो हम कभी कार्टून देखते थे तो या तो कभी आपका अब्बा की तौर पर न्यूज़ देखते थे तो ऑलवेज सीन योर चैनल इज ऑलवेज बीन ग्रेट। सर आपको हम बहुत परेशान करते हैं, सेट पर आके डिस्टर्ब करते हैं हम लोग। नहीं हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे आते रहिए शुरू से लेकर हम आपका सीन। बट वो अच्छा ही है हमारे लिए, हमारे शो के लिए अच्छा है जो आप शुरू से इसे बढ़ावा देते आए और दिखाते रहे ऑडियंस, तो ऐसे ही आगे तक दिखाते रहे, जैसे कल तक दिखा रहे थे आज तक दिखा रहे थे आगे भी दिखाते रहे। और 10 साल थीम सॉन्ग ऑफ द शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी नया वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता है ये रिश्ता। नो नो यू रिमेंबर द स्टेप श्रुति ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे नचाने में मजा आता है। शूट हुआ था उसमें हमारा ये सिग्नेचर स्टेप था जिसमें ये नया रिश्ता ट्रैक इंट्रोड्यूस हुआ था। सो या दिस वाज द इजी कूल स्टेप। उम्मीद करते हैं इसी तरह ये रिश्ता बना रहे, इसी तरह हम लोग 20-20 साल 25 साल सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली बनाते रहे। थैंक यू सो मच एंड बने रहिए हमारे साथ हमारी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, आप लोग हमेशा हमारी टीम का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। There's one more special thing जो हम बात कर रहे थे, ये रिश्ता तारक मेहता एंड सास बहू बेटा एक साथ आए, सो असित सर प्लीज। वो परिवार का हिस्सा है मिस्टर असित मोदी, जिस तरह आप मेरे खास हैं ये मेरे दूसरे राइट हैंड हैं। ये हमारे भी बहुत खास हैं। जी कि एकदम जिस वक्त सास बहू बेटिया मैंने शुरू किया था उसके बाद आया तारक मेहता का उल्टा चशा, उसके बाद आया ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये तीन शोज बहुत ही मतलब ये दो शोज मेरे बहुत ही खास है पर्सनली, क्योंकि मेरे तारक मेहता भी मेरे घर वालों का बहुत खास शो है। मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। मैं भी बचपन से देख रही हूँ। थैंक यू। पहले शो था मैं भी बचपन से देख रहा हूँ। बिल्कुल मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि रिश्ता क्या कहलाता है। इतने एपिसोड हो गए लेकिन पता नहीं चला अभी तक। वही तो यस यस कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। या तो तारक मेहता में क्या कौन सा कैरेक्टर था? दया बहन आपको याद है? अरे फेवरेट उनकी जरा एक असित जी को दिखाई। दया बहन कैसी बोलती है? नहीं 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 ए मोहम्मद जी नो बट इज माय फेवरेट। आपको याद है एक कुछ लाइन था ऐसा मुझे दया बहन बीच में याद आ गई थी, एक हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो मुझे कुछ लाइन में दया बहन बीच में अच्छा नहीं राम सर और हम लोग नेबर्स भी हैं दोनों के सेट फिल्म सिटी में है। पड़ोस में है, मुझे बीच-बीच में दया बहन याद आती रहती है तो मेरे कभी-कभी डायलॉग में जब मैं ए मोहम्मद जी निकल जाता है अपने आप ही एंड ऑब्वियसली दया बहन गरबा इज ऑल टाइम फेवरेट। सर को गरबा कराएं सर। चलिए सर गरबा तो बनता है सर सेलिब्रेशन। इन्होंने ये रिश्ता सेट किया आपको गरबा करना है आप दया बहन भी। अरे ना